फ्रेंड्स, विंडोज 10 में अगर आपका डेस्कटॉप शो नहीं कर रहा है नॉर्मल आइकॉन के साथ, जैसा कि होता है आप विंडोज़ की प्रेस करते हैं फिर भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे चले आएँ कॉर्नर में, एकदम नो न्यू नोटिफिकेशन, ये एरिया आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस एरिया पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टैबलेट मोड, तो इस टैबलेट मोड पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका जो विंडोज 10 है वो डेस्कटॉप मोड में चला आता है, तो आपको सिंपल यहाँ पे एक क्लिक करना था। आप अगर फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर से आपका विंडोज 10 टैबलेट मोड में चला आता है। तो हाँ फ्रेंड्स, आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। विंडोज साइन इन करते वक्त भी अगर आपको टैबलेट मोड शो कर रहा है तो आपको करना क्या है, विंडोज आर प्रेस कीजिए ताकि आप विंडोज सेटिंग्स मिल जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम में चले आना है। सिस्टम में आने के बाद आपको यहाँ पे टैबलेट मोड में क्लिक करना है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं व्हेन आई साइन इन, तो अगर यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर ये टैबलेट मोड में है तो आपको इसको टैबलेट मोड से चेंज करके डेस्कटॉप मोड में कर देना है, ताकि आप जब साइन इन करें तो ये डेस्कटॉप मोड में शो करें। अगर आपका टास्क बार टैबलेट मोड में हाइड हो जाता है तो आप यहाँ पे इसको ऑफ कर सकते हैं, या फिर अगर टास्क बार में आपके आइकॉन्स हैं वो शो नहीं करते हैं तब भी आप यहाँ पे ये ट्राई कर सकते हैं। तो हो फ्रेंड्स, आपको वीडियो आया होगा पसंद, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले टेक्निकल वीडियोस एंड जेन्युइन सॉल्यूशंस आपको ऑलवेज मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।